चलो मेरी आवाज आ रही है सबको? ठीक है, मैं अजय से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ तुम्हें। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, इसको ठीक है, एक मिनट इसको छोटा कर रही। हाँ अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में बैकग्राउंड बता दो, एक तो कि तुम अभी कौन से ईयर में हो और क्या कर रहे हो सब ना। ठीक या सो हेलो एवरीवन, आई एम अजय कुमार चौधरी। आई एम करंटली अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर। आई हैड सिक्योर्ड AIR 342 एंड विद 89 मार्क्स इन क्लैट 2023, सो इट इज हाउ इट इज गोइंग। है, तो तुम वैसे कौन सी सिटी से हो अजय? ठीक मैं मेनली जबलपुर मध्य प्रदेश हूँ, मेरा कोर है वो। है, तो अजय अपने को कहना कि जैसे अभी जो बच्चे हैं इनको अभी 1 महीने का टाइम है, ठीक है, और 1 महीने बाद इनको देना है क्लैट का पेपर, जो 1 दिसंबर, आज हो ठीक गया है 2 नवंबर। तो अपने को एक तो तुम्हारा, जैसे तुम अगर लास्ट मंथ में होते तो तुम क्या क्या चीज फॉलो करते? और बहुत बच्चों का जो कॉमन डाउट्स क्या है, एक तो उनको मैथ्स में दिक्कत आ रही है, ठीक है, मैथ्स में ये एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे। दूसरा उनको ये दिक्कत है कि जो जैसे मान लो क्रिटिकल का सेक्शन है खासकर, वो ऐसे फोबिया टाइप है, ठीक है, तो तुम क्रिटिकल के सेक्शन में क्या करते थे वो चीज, ठीक है। तीसरा, मॉक में कितने अटेम्प्ट तुमने किए पेपर वाले टाइम में, क्लैट वाले पेपर में, और क्या तुम्हारी एक्यूरेसी रहती थी, तो उस बारे में पहले डिस्कस करते हैं, फिर इनके डाउट्स भी ले लेंगे अपन, ठीक है। चलो ठीक है। तो देखो यार, अपना मतलब लगभग लास्ट मंथ बचा है, सो हमें कैसे कोलैब करना इसकी तरफ देखना पड़ेगा। बिकॉज हमारे जो लास्ट के 6 मंथ्स थे, हमने उसमें जितना किया उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। अब ये कौन है? चलो ठीक है, तो हमारे जो अभी लास्ट के 6 मंथ्स है उस पर हमारी चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो अब हमारे पास सिर्फ 1 महीना बचा है, 1 महीना भी नहीं बचा, अराउंड 29 डेज बचे हैं। सो हाउ टू गो अहेड, सो वी हैव टू लुक फॉर अवर मिस्टेक्स फर्स्ट। जो हमने मिस्टेक्स करी हैं अभी तक, जितने भी हमने मॉक्स एनालाइज करे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेंगी सारी चीज़ें। तो पहले अपने मॉक्स पर जाओ, उनमें जो मिस्टेक्स आपने करी है उनको पकड़ो, या फिर जो आपके कुछ, ये जो आपका आने वाला 1 वीक है, हम पहले शेड्यूल बना लेते हैं। हमारा मेनली अपन 4 वीक में इसको डिवाइड करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट वीक होगा, इसमें हमें ट्राई करना है कि जो हमारा बैकलॉग है करंट अफेयर्स का, वी हैव टू कंप्लीट इट इन अराउंड 10 डेज। उससे ज़्यादा समय मत देना जितना भी तुम्हारे कंपेंडियम है, क्योंकि मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे रीड नहीं करते हैं स्टार्टिंग डेज, या फिर जो मेन इंपॉर्टेंस रहती है वो लास्ट के 6 मंथ्स की रहती है, ठीक है ना। क्योंकि 1 ईयर मेनली बोलते जरूर, लेकिन लास्ट के 6 मंथ्स में इससे आता है मैक्सिमम टाइम। क्योंकि जो हमारा जैसे जीके का सेक्शन था उसमें अराउंड 7 पैसेज थे, उसमें से 6 लास्ट के मतलब 6 महीने से थे, ठीक है। और उसमें से भी 3 जो मतलब 4 जो थे वो लास्ट के 2 महीने से थे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है कि यहाँ का जीके अपन को कवर करना है। अब इसके बाद हम जब बात करते हैं कि 10 दिन में अपन को जीके कवर करना है, उसके बाद जितनी भी अपने लीगल प्रिंसिपल्स हैं जो अपन को दिमाग में आ रहे हैं, या फिर जिन जहाँ पे अपन गलती कर रहे हैं उसको एक बार वापस रिवाइज करो। उसको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, इट विल नॉट टेक मोर देन 5 डेज। उसको आप 5 दिन में निपटा लो, क्योंकि लीगल प्रिंसिपल्स पढ़ने में कितना ही टाइम लगता है। और अभी भी कुछ बच्चे होंगे जो शायद से कुछ आर्टिकल्स नहीं पढ़ते। लोग बोलते हैं ना, लीगल आर्टिकल्स पढ़ो, लीगल आर्टिकल्स पढ़ो, पढ़ लो, ज़रूरी नहीं है, बट न्यूज़पेपर में भी बहुत सारे लीगल आर्टिकल्स आ जाते हैं, उनको देखो। उसके बाद गूगल पर सर्च करो, वहाँ से कुछ आईपीडी हो गया, फिर ब्लॉग्स होंगे, वहाँ से जाके रीड करो, क्योंकि वो चीज़ आपको कॉम्प्रिहेंड करने में मतलब इशू इशू जो है आपका खत्म हो जाता है, क्योंकि आप वहाँ से चीज़ों को समझ पाते हो कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, और इससे हमारे पैसे जैसे बन सकते हैं, ठीक है। दे आर हाई चांसेस एडिटोरियल्स बनेंगे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी साइट्स होती हैं। जैसे वो डायरेक्टली हमारे में एक लाइव ब्लॉग का उनने पैसेज फेंक दिया था, ठीक है। सो देर आर चांसेस कि कुछ वेबसाइट से भी अपन पढ़ते रहे। जैसे मैंने डाउन टू अर्थ से पढ़ता था, तो हमारे जीके का सेक्शन पूरा, मतलब जीके का हमारा जो एक पैरा था, मतलब एक क्या बोलते हैं, 5 क्वेश्चंस थे, वो सीधे डाउन टू अर्थ से आ गए थे। और इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, बट हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते ऑफकोर्स। सो लिमिट योर सेल्फ इन 3 और 4 वेबसाइट, नॉट मोर देन दैट। तो हमारे जीके हो गया। अब रही बात लास्ट के मंथ्स में, जीके में ये पता कि क्या है, आप बच्चों अपनी को क्या गलतियों पर रहता है काम। ना, एक अजय थोड़ा सा मैं इंटरप्रेट करूंगा, कि बच्चे कह रहे हैं कि जैसे मॉक देते हैं ना, कोई भी मॉक दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम जीके पढ़ रहे हैं उनमें तो हमें कोई सवाल मिल ही रहे। जैसे हमने वो टॉपिक पढ़ भी लिया मान लो, तो होता क्या है, 5 में से 2 सवाल तो मिल गए उसमें, और उनके ठीक है स्कोर ही नहीं आ रहे जीके में, तो उनको लगता है कि कोई पढ़ने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि जीके में ऐसे अगर टॉपिक भी फालतू करते हैं तो उसको अपने कह सकते हैं कि उनको रोज दो दो मॉक बनाने हैं, वो रेलिवेंट जीके के थोड़े से टॉपिक्स पूछ रहे हैं। पर जो टॉपिक्स पढ़े हुए भी है ना, वो भी ऐसे हैं कि भाई उनमें भी वो सवाल नहीं मिलते उनको, जैसे दृष्टि आईएएस पढ़ लिया उन्होंने, या कोई भी एक दो चीजें सोर्सेज पढ़ भी लिए, तो वो सवाल नहीं मिल रहे। किसका माइक चल रहा है? आप बंद कर दीजिए क्या, किसी का चल रहा है क्या? माइक है ना, हाँ एक सेकंड, ना, मंदिशा विल यू प्लीज स्विच ऑफ योर क्या माइक फॉर अ वाइल। आईफोन वाले कौन? चलो ठीक है, चलो हाँ, डन।
तो अब हमारे जैसे जीके के हम पर्टिकुलर बात करते हैं, तो देर आर हाई चांसेस कि आपको वो क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे जो आप रीड कर रहे हो, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर वो टॉपिक का बैकग्राउंड पढ़ना पड़ता है। तो जैसे अभी कौन सा है, पैलेस्टीन का चल रहा है, गाज़ा पैलेस्टीन पर अटैक हो गया फिर से, ठीक है ना, इसराइल ने हमला कर दिया है। सो गो फॉर दैट हिस्ट्री, आप उसका ब्रिटानिका से पढ़ सकते हो, देर आर हाई चांसेस कि ब्रिटानिका से भी क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। आपको बैकग्राउंड रीड करना पड़ेगा पहले, तो अगर आपके पास बैकग्राउंड है तो आपको समझ आएगा कि आगे की स्टोरी क्या है, अगर वो स्टोरी आपको समझ आ रही है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे कुछ लीडर्स आ जाते हैं, जैसे हमारा एक क्वेश्चन था, वेल वी हैड वन क्वेश्चन कि उसमें एक फुटबॉलर था, उसके पापा किसी देश के एक प्रेसिडेंट थे, अब वो देश का हमें नाम बताना है। मतलब ऐसे फालतू क्वेश्चन भी आते हैं कई कई बार, उसकी कोई खैर खास रिलेवेंस नहीं थी, बट यही सब होता है। तो बैकग्राउंड पढ़ो, बैकग्राउंड के बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर जंप करो। अगर नहीं आ रहा समझ में तो आपने कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चीज़ छोड़ी है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट भी पूछ लेता है क्लैट है। कॉन्सोर्टियम है, बहुत इररिलेवेंट चीज़ें भी पूछता है, मैं देख लिया हूँ 4-5 साल में जो मैंने एनालाइज किया थोड़ा सा। तो जस्ट गो फॉर इट, बैकग्राउंड एक बार कवर करो, उसके बाद जो आपने अभी रिसेंट में चल रहा है उसको एक बार रीड करो, क्वेश्चन वहीं से ही आएगा। और नहीं आएगा तो उससे कनेक्टेड और दो तीन चीज़ें होती है, जैसे अगर आप इसरो की बातें कर रहे हो तो इसरो के साथ आपको और भी चीज़ें दे सकता है, कि जैसे अभी अमेरिका ने एक नई मिसाइल लॉन्च करी है, तो उस मिसाइल का नाम क्या है। देर आर हाई चांसेस ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये साइज कनेक्टिंग हैंड्स है ना, तो अपन कनेक्टिंग हैंड्स पढ़ते रहना है कि मतलब यहाँ से ये हो रहा है, यहाँ से हो रहा है अपन को, क्योंकि मतलब अपन जब कोई चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं ना, तो अपन को साथ में लेके चलना, कोरिलेट करना पड़ता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो अब जैसे ये चीज तो है, अब 30 डेज अपने बस बचे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या आपने कुछ टॉपिक सेलेक्ट कर लें कि ये टॉपिक अपने करें, या फिर ऐसा करें कि मंथली वाइज चलें, ठीक है। तो तुमने क्या अप्रोच फॉलो की थी लास्ट में? लास्ट का मेरा ये था कि आप मंथली तो मतलब डेली कर ही रहे हो, क्योंकि लास्ट के सेकंड डे तक भी हाई चांसेस है कि वहाँ से भी क्वेश्चन दे देंगे, क्योंकि उनका पेपर जो है लास्ट डे ही सेट होता है पूरा जीके का पर्टिकुलरली, बाकी वो पहले से बना लेते हैं। तो इधर से अपन जब शुरू करते हैं, तो यहाँ से तो अपन को डेली पढ़ना है, और साथ में अपन को लास्ट के 6 महीने के कंपेंडियम भी लेके चलना है, कि उनको रोज़ 3 घंटे देने ही हैं, क्योंकि अगर वो अपन भूल गए हैं तो एक बार रिवाइज तो करना ज़रूरी है, नहीं तो काम कैसे बनेगा। तो ये कि रोज़ पढ़ते रहो, अभी जो जो रोज़ 5-6 नए टॉपिक आते हैं उनको एक बार रीड करते रहो, और उसके साथ जो पुराने हैं उनको भी थोड़ा कोरिलेट करके चलते रहो। तो ऐसा होता है वो। तो अच्छा एक चीज, हो तुम्हारा क्या रैंक था क्लैट में? हाँ, समवेयर 342 थ्री के करीब। फोर्टी था, ठीक है। अब जैसे कुछ बच्चे हैं ना, जिनको जिनके स्कोर आ रहे हैं, मान लो 50 से कम आ रहे हैं, या 60 स्कोर आ रहा है, ठीक है, मॉक में, उनको नहीं बढ़ रहा कि भाई हमने एनालाइज भी कर लिया, हमने क्या बोलते हैं जी वो भी कर लिया, पर हमारा स्कोर वहीं पे है। वो खासकर जैसे मान लो ज्यादातर बच्चों के क्वांट में नंबर एकदम कम है, क्रिटिकल में कम है। तो क्रिटिकल के लिए तुमने कुछ अलग से फॉलो किया कि भाई ये चीज अपने करें जिससे अपने स्कोर बढ़ जाए, या कुछ ऐसा? या क्रिटिकल में स्वाइड स्कोर अराउंड 28 आफ्टर 30, तो उसमें ऐसा हुआ था कि मतलब बहुत इजी था, मैं मानता हूँ, क्योंकि जो 2022 मैं ड्रॉपर हूँ एक्चुअली, तो मैंने 2022 दिया था, तो मेरी बहुत घटिया आई थी, उससे पहले बट क्या रैंक जब था उसमें थोड़ा तुम्हारा, सा, हाँ उससे पहले वाला जब ड्रॉप आई करने? डोंट अच्छा, वॉन्ट टू शेयर, आई डोंट वॉन्ट टू शेयर। जैसे ठीक है, तो अब हमारी जो उसमें दिक्कत आई थी कि इसको कैसे करना है, तो मैंने पर्टिकुलरली, मैं अपने सोर्सेस बता सकता हूँ क्या, मैंने जो सोर्सेस फॉलो किया, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बताओ। ठीक है। तो मेनली जो मेरे सोर्सेज थे वो सी आर नगेट से, सिद्धांत सर के, सी एल के, जो करियर लॉन्चर के हैं, तो मुझे कहीं से वीडियोस मिल गई थी, अराउंड 50 वीडियोस से, तो बहुत बेसिक चीज़ है, तो मेरे लगभग 5-6 नंबर, 6-7 नंबर आते थे। सो अब वहाँ से गेन करा, तो अराउंड 15-20 आने लगे। उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा और उस पर काम करना था, तो मैंने जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं आर एस अग्रवाल के, मैंने पर्टिकुलरली उनको सॉल्व करना शुरू किया, कि ये एजम्पशन होता क्या है, क्योंकि जब तक आप वन लाइनर को सॉल्व नहीं करोगे आप पैसेज पर डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते, आपको समझ नहीं आएगा। तो आप पहले वन लाइनर को सॉल्व करते हो, तो वो करना मैंने शुरू कर दिया था। उसके बाद मेरे पास था कि मैं डेली सेक्शनल टेस्ट दूंगा, 2 सेक्शनल टेस्ट मेरे सी आर के रहेंगे, और मतलब 2 सेक्शनल टेस्ट मतलब एक लगभग 20-30 क्वेश्चन रहते हैं उसमें, तो 30-30-60, और उस पर टाइम बेस मैनर पर रहेगा कि मेरा 4.5 मिनट या 5 मिनट के अंदर एक पैसेज मेरे को सॉल्व करना है। तो मैं उसी पे काम करता था, और बार बार जहाँ गलती होती थी, तो मेरा मेंटोर एज सच कोई नहीं था, बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम कोचिंग ली थी, बट दैट वॉज नॉट वर्थ इट, तो मैंने सेकेंड बार खुद से किया था। तो उसके लिए मेरे एक भैया थे, मैंने उनसे कुछ कुछ पूछता था, तो वो मेरे को बताते थे कि ऐसे ऐसे सॉल्व होगा। सो आई वाज लाइक कि चलो ऐसे ट्राई करते हैं, तो थोड़ा बहुत आने भी लगा और समझने भी लगा वीडियोस देखने के बाद। उसके बाद एक यूट्यूब पर अमित सर की वीडियोस है, स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल से, तो उनको थोड़ा सा फॉलो किया था, तो दे आर हेल्पफुल फॉर मी, तो उसी से रिलेटेड बातें होती हैं। और किसी और को बाकी पूछना हो अजय से तो बिल्कुल पूछ सकता, कोई भी अलग कोई और कोई सवाल या कुछ, कोई भी किसी, हाँ कोई भी अनम्यूट करके एक जना।
किसी का कोई वैसे सवाल हो, संभवी तुम्हारा रेडी किसी का शाखा। सर हाँ सर मुझे पूछना था, क्रिटिकल में मेरे स्कोर्स कंटिन्यूअसली ऐसा डिक्रीज ही हो रहा है, मतलब इम्प्रूव नहीं हो रहा है. 19 to 20 या कभी कभी जब सही ना हो तो 16, ऐसे पे मैं स्टक हो गई हूँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? यार देखो, कोई शॉर्ट सॉल्यूशन नहीं होता, उसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस होती है। तो अब जैसे तुमने गलती करी होगी, एक मैं मानता हूँ कि फॉर एन एग्जाम्पल अपन लेते हैं, यू हैव अटेम्प्ट वन क्वेश्चन, ठीक है। तो पहली चीज़ कि आपने तुम कितने अटेम्प्ट करती हो, पूरे 25 अटेम्प्ट करती हो, हाँ पूरे ही करती हूँ. ठीक है। मतलब आप कितने अटेम्प्ट कर रही हो, 20 21 सही कर रही हो और 4 गलत करके 20 आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। तो अब उनको उन्हीं पर ध्यान देना है। तो जैसे एक क्वेश्चन है, वो आपसे पूछ रहा है कि इन्फेरेंस क्या है, एजम्पशन क्या है, ठीक है। सो वी हैव टू गो फॉर इट कि एजम्पशन होता क्या है असल में। देयर आर हाई चांसेस कि एजम्पशन जो है वो आपको पैसेज की लास्ट लाइन में मिलेगा, क्योंकि वहाँ से एजम्पशन निकलता है। इन्फेरेंस वो आपको पैसेज के बीच में मिलता है, ठीक है। तो कभी कभी अपन को लास्ट में भी देखना है, कभी कभी अपन को बीच में भी देखना है, और कई बार ऐसा होता है कि आपको खुद से भी इन्फर करना पड़ता है, और कभी कभी बीच में आ जाता है। तो यार ये चीज़ें जो होती हैं वो प्रैक्टिस से सॉल्व होती हैं, कि आप उस गलती को देखो एक बार कि असल में हम कर कहाँ रहे हैं, ठीक है। आप जैसा बोल रहे हो, आपके 16 मार्क्स आ रहे हैं, कभी 19 आ रहे हैं, फ्लक्चुएशन होता है, फ्लक्चुएशन की दिक्कत नहीं है, वो तो आप जैसा पेपर होगा उसके हिसाब से काम होता है, ठीक है ना। तो जस्ट गो फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि हाँ इस पे नंबर कटा है, या फिर कोई इरेलीवेंट भी होता है कभी कभी, तो इरेलीवेंट पे हम नहीं जाएंगे, देयर आर हाई चांसेस कि रिलेवेंट होगा। तो आप उसकी तरफ पर्टिकुलरली जाओ, देखो कि गलती कहाँ थी। एक सिर्फ अपन को एक वर्ड में गलती हो जाती है कभी कभी, उसको वर्ड को अपन समझ नहीं पाते, या फिर अंडरस्टैंड में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो उसको अपन को समझना है। और अगर आपने उसको क्लियर कर लिया तो आपका एक नंबर आ जाएगा। सो मैं जितना भी बोलूँगा, उसका मेनली कॉन्क्लूजन प्रैक्टिस ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस विल हेल्प यू टू क्लियर क्लैट। आई होप इट आंसर योर क्वेश्चन, और कुछ और इशू अगर हो पर्टिकुलरली तो मुझे बता दो। ओके, थैंक यू भैया. एक चीज, तुमने क्या वो जो पेपर अटेम्प्ट किया था, तो क्या पहले रखते थे कि भाई ये सेक्शन या दूसरा कुछ ऐसा था कोई पर्टिकुलर की? मेरा ऐसा था कि आई हाँ एम टेलिंग यू, तो मैंने पर्टिकुलरली अपने उसको दो में बांट के रखा था कि ऐसे ऐसे अटेम्प्ट करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो फॉर द लीगल रीजनिंग, उसके बाद करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स विल टेक नॉट मोर देन 7 और 8 मिनट्स, और उसको अगर उसकी एक चीज़ है कि अगर मैंने बनेगा तो टाइम बनेगा, नहीं बांट बनेगा तो नहीं। रखा था क्या कि लीगल को मैं इतना टाइम दूंगा जैसे, या हाँ, फिर ऐसा था? लाइक लीगल में हमारे यहाँ पे 150 क्वेश्चंस थे ना, 120 मिनट्स में, और देर हाई चांसेस कि थोड़े छूटेंगे, तो आपको 130 140 अटेम्प्ट मारने पड़ते हैं। तो मैंने उसको दिया था कि अराउंड मेरे 40 क्वेश्चन के लीगल में है, तो उसके 35 मिनट्स के अंदर कवर करना है। जीके का सेक्शन होता है, 35 क्वेश्चन आते हैं, आप उनको 7 या 8, 7 से 10 मिनट के अंदर कवर कर लो, वहाँ से आपके पास के टाइम बाद बचता है। जीके ना, लीगल, जीके, उसके बाद मैं सीआर करता था, सीआर क्योंकि थोड़ा सा मेरा उसमें बेस बना हुआ था। उसके बाद मैं आरसी पर जाता था, और लास्ट में मैथ्स रखता था, या फिर मैथ्स में मैं ऐसा करता था कि लीगल हुआ तो उसमें दो इजी डीआई होते हैं, और एक थोड़ा टफ होता है, और एक मार्जिनल टाइप होता है, तो तीन होता है टोटल। तो एक को फिर मैं पहले कर लेता था कि चलो अगर उस पर प्रेशर ना आए लास्ट पे, तो उसको पहले कर लिया। उसके बाद फिर अगर कभी कभी दिक्कत होती तो आरसी को उठा लेता था, क्योंकि अपन जब मैथ्स का एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो थोड़ा हल्का हो जाता है दिमाग कि ये तो हो गया कम से कम, तो आरसी उठा लिया, फिर जीके उठा लिया, फिर सीआर उठा लिया, ऐसा करता था मैं। और एक चीज और, तुम्हारे जैसे मॉक में ऐसे हाईएस्ट नंबर ही आ रहे थे या क्या था सीन स्कोर में? मेरे आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि मेरा जो मॉक स्कोर था, मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ, मेरा मॉक स्कोर था 34 से शुरू हुआ था, ठीक है, बिना बिना एनी प्रिपरेशन के। सो 34 से मेरा स्टार्ट हुआ, लास्ट लास्ट तक आई वॉज नॉट स्कोरिंग मोर देन 70 मार्क्स। तो आई हैव दैट थिंक कि कैसे होगा। तो अराउंड लास्ट का जो 1.5 मंथ था, उसी में थोड़ा बदला, तो 70 से एक लड़का था, उसके 92 आते थे। सो ही वॉज लाइक कि मैंने उससे पूछा कि विल यू प्लीज हेल्प मी टू क्लैरिफाई वेयर आई एम लैगिंग, तो उसने बोला यार बेसिक्स बनाने पड़ेंगे। अब मैं उसकी बुराई नहीं करूंगा, बट उसकी रैंक अराउंड 40,000 आई थी उसकी रैंक, क्योंकि 14,000. उसका लास्ट में बिगड़ जाता है, फाइनल फाइनल डे कुछ भी हो सकता है, तो उस सही, पर हम नहीं ये कर बात पाए। पक्का है कि कोई बच्चा ये नहीं कह सकता. जैसे मेरे खुद के ना क्लैट में जब स्कोर आ रहे थे, तो मैं जहाँ हम 10 बच्चे थे ना, तो मेरा कोई 8वां या 7वां नंबर था उनमें, हम तैयारी कर रहे थे. और जब रिजल्ट वाले दिन आया तो उनका कोई नंबर ही नहीं आया जो टॉप 7 में हाँ, होता है, जो. होता हाँ है। ऐसे वो मेरे को डर लग रहा था फोन करते हुए उनको. मैंने कहा यार बेइज्जती होगी कि इनके तो ऊपर आनी आनी है, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया. मेरे को लगा नहीं, पता नहीं क्यों नहीं वो फोन मेरे को भी उठाया. लगता था, बट मेरे हाँ को जब पता चला कि जो यार मॉक सर के से स्कोर है कि वो हो ही उसमें नहीं। आएंगे, जरूरी नहीं है, बिल्कुल ही जरूरी नहीं, क्योंकि क्लैट का पेपर है ना, वो इस ऐसा सेट हो रहा है
और वहां का प्रेशर, वहां की चीजें अलग चीज है बिल्कुल ही, ठीक है। तो बहुत बच्चे होते हैं वहां पे घबरा जाएंगे, और बहुत बच्चे होंगे कि पेपर में कुछ ना कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड डालते हैं वो, है ना, कि एक बच्चे को जो मोक करता रहा है वो कहेगा यार हमें ये डाल दिया, वो कर दिया, इस बार तो ऐसा आ गया। फिर वो बच्चे रोते हुए बहाना मार के आ जाएंगे कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो गया। वो जानबूझ के वो टेस्ट करने के लिए कि भाई आप वो सिचुएशन को कैसे वो करते हो, पिकअप करते हो ना, ठीक है। और दूसरा एक चीज और कि अब जैसे तुम बता रहे हो कि 34 से तुमने शुरू किया, एक महीना पहले भी तुम्हारे क्या स्कोर था? 70 कुछ, कितना था? 150 में से, यानी 50% से भी कम। 70 75 और फाइनल में कितना आ गया? 89 फाइनल में 89 88 ऐसे कुछ। आ गया, ठीक है ठीक है। और तुमने बिकॉज फिर जब मेरा लास्ट मॉक था, जो हाँ लास्ट मॉक था, सो लास्ट मॉक के पहले वाले में मेरे 50 आए थे। अच्छा, हाँ जस्ट खत्म हो गया अपना। नहीं तो बहुत बच्चे है ना तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई हमारे 50 में से इतने मार्क्स आ गए हैं, या कुछ 40 आ गए या 50 आ गए, हमें तो पेपर देना ही नहीं चाहिए, छोड़ दो हमारे लिए बना ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, पेपर ये है ही, ये IIT नीट वाला पेपर ही नहीं है, जो नॉलेज बेस्ड टेस्ट हो कुछ ऐसा, है ना, कि एक जीके सेक्शन है जो आपका चेक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और कुछ इनको जैसे मान लो, अब मेरे हिसाब से जो ज्यादा इम्प्रूव करने का सबसे सही तो जीके को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये है ना, क्योंकि ये जीके स्कोरिंग है तो वो बढ़िया से मार्क्स पिकअप कर देगा। और दूसरा जैसे लीगल के कंसेप्ट वगैरह सब आते हैं नॉर्मली अब, ठीक है, वो उस पर। और मैथ्स के लिए कुछ थोड़ा सा इनको बताओगे कि मैथ्स में बहुत बच्चे हैं जो 0-0 स्कोर कर रहे हैं, यानी 12 नंबर का आता है मैथ्स, ठीक है, तो 12 में से 0 कर रहे हैं, तो क्या कुछ है कोई ट्रिक वगैरह कि सब पे बीवी लगा दें कुछ हो जाए या कुछ ऐसा? यार टू बी ऑनेस्ट, मैथ्स में आई वॉज अ डम पर्सन, ठीक है। इसलिए मैं असल में क्लैट दिया, क्योंकि मेरे को मैथ्स नहीं चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली उसको ट्राई तो करना ही था क्योंकि मार्क्स चाहिए। तो हमारे 15 मार्क्स थे, सो आई हैड अटेम्प्ट अराउंड 10, ठीक है। मेरे 5 छूट गए क्योंकि मेरे से हुआ नहीं वाला पैसेज, बहुत मेरे को बहुत ख़त्म सा डी आई लगा। आ रहे थे ना उस टाइम भी? हाँ, हाँ डी आई। तो मैथ्स के लिए पर्टिकुलरली आई सॉल्व RS अग्रवाल बेसिक्स के लिए, तो उस पर फिर उतना टाइम नहीं दे पाओगे क्योंकि अभी एक एक महीना बचा है। तो उसके अलावा एक बुक आती है 30 डेज वंडर, ठीक है, तो हाँ उसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें होती हैं, हाँ मतलब 30 दिन का रहता है, तो आप उसको आराम से 15 दिन में निपटा सकते हो। और उसके अलावा जितने DI आते हैं आप, जब तक, क्योंकि यार देखो मैं फिर से बोलूँगा, प्रैक्टिस है। तो ठीक आपको रोज़ कम से कम 6 DI सॉल्व करने पड़ेंगे, अलग अलग पर्टिकुलर टॉपिक्स के। जैसे आपने एक उठा लिया, एक कौन कौन से होते हैं, अरिथमेटिक हो गया, जो भी DI हो गया और बाकी चीज़ों के, तो आपने वो उठा लिए, तो उन्हीं को आप सॉल्व करते रहो बार बार, और गलतियां देखो। देखो मैं मानता हूँ मैथ्स में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहते उस चीज़ को क्योंकि टाइम ले लेता है उनका। बट आप एक चीज़ सोचो ना, यह है जस्ट 120 क्वेश्चन, यह जस्ट 120 मिनट्स। आप अगर 120 क्वेश्चन को 120 मिनट भी दे रहे हो, आप मान लो अब जब गोला, मतलब जो आप गोला फिल करोगे ना, तो आपका पर गोला आप मिनिमम 5 सेकेंड दे रहे हो वहां पे। तो आप उसको कैलकुलेट कर लो कितने, 7 8 10 मिनट आप सिर्फ गोला भरने में दे रहे हो, तो आपके पास 110 मिनट है, ठीक है। अब वन हाँ, टेन वो मिनट में भी आप क्या यार करते हो? इन्विजिलेटर ले जाएगा वो साइन करवाने के लिए वो सब, है ना, कि यहाँ पे साइन हाँ, वो करवा। इन्विजिलेटर को तुम्हें देने में 1 2 मिनट लगेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं, कम है। बट लेसन यहाँ पे कि आपके पास अगर 110 मिनट भी अपन यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आप पन्नी फाड़ोगे, पन्नी फाड़ के आप उसको इन्विजिलेटर आएगा, गोले भरोगे, बहुत टाइम लगता है इसमें, ठीक है। तो आपके पास जो 110 मिनट है, तो उसमें ना आप जैसे आपने 25 क्वेश्चन अगर इंग्लिश में है, आपने अगर 23 मिनट्स में सॉल्व कर लिया है, CR है 23 मिनट्स में, आपने उसको सॉल्व कर लिया है, लीगल आपके 30 क्वेश्चन है, तो आपने उसको जल्दी निपटा लिया है 30 मिनट्स में। सो आप एक चीज़ सोचो कि आपका जो GK है वहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन है, 25, आई डोंट नो हाउ मेनी क्वेश्चन आते हैं, बट 25 या 30 क्वेश्चन हैं, तो यू आर नॉट गिविंग मोर देन 7 और 10 मिनट्स, सो यू हैव 20 मिनट्स रिमेन, ठीक है। अब वो 20 मिनट को आप कहाँ दोगे? दे सकते हो आप मैथ्स में थोड़ा सा, 15 मिनट की जगह 20 मिनट एक्सटेंड कर सकते हो, बट आपको ट्राई तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसको ट्राई नहीं करोगे तो देयर आर हाई चांसेस कि आप Tier 1 NLU को छोड़ रहे हो। और आई बिलीव कि आप अगर इतनी फीस देते हो तो आप Tier 1 NLU प्रेफर करोगे। तो मैथ्स के लिए तो RS अग्रवाल मैंने कह भोपाल दिया, में रहता कैंडिडेट। हूँ ना एनएलयू उस हाँ टाइम, अजय एनएलयू भोपाल में यार, मिल रहा होगा उस टाइम, भोपाल का में भी तुम्हें मिल रहा होगा, जोधपुर दोनों मिल रहे होंगे ना? NLI भोपाल मेरे को फर्स्ट पे मिला था, सेकंड पे देन आई जंप्ड। फिर तुमने जोधपुर देख, हाँ लास्ट सात मैं आठ मिनट बचे हैं अपने सेशन के, है ना, ये बंद हो जाएगा, किसी और को कुछ और पूछना हो आई पूछ थिंक लो, चैट्स में कुछ क्वेश्चंस हैं, आप डायरेक्टली बोल दो तो मैं देख चैट लूँ। वाला आई फिर डोंट नो व्हाट आर द चैट क्वेश्चंस। में है। आई सी आई यूज एस चाम 30 डेज फॉर बेसिक, इज इट गुड? नेगेटिव मार्किंग का क्या करें सर, सत्यम पूछ रहा है।
नेगेटिव। हाँ एक चीज और, क्या कोई आइडियल अटेम्प्ट्स है? 720 का पेपर है तो इतने इतने तो करें अटेम्प्ट, कि इससे जैसे आप कोई 70 कर रहा हो तो बाहर हो ही गया, अनलेस वो रिजर्व कैटेगरी का नहीं है, तो कुछ ऐसा कि भाई हाँ इतना तो मार के आए ही आए, करके आए। हाँ अटेम्प्ट करने के लिए ना अटेम्प्ट कितना? 110+। 110+। ठीक है, सो आप फ्लैट नहीं छोड़ सकते और क्वेश्चंस पढ़ रहा तो इनफ है, या कोई एक मैगजीन या कुछ और भी सोर्स पढ़े वो यार। निकल। देखो आई विल सजेस्ट कि ये मेरे से क्वेश्चन और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी लोगों ने पूछा है, तो यार सीए के लिए कुछ भी इनफ तो नहीं होता है, ठीक है। सो आई विल से कि जो मेरा था मेनली वो सीएल का मंथन था, और मंथन के अलावा आई फॉलोड जीके टुडे की पीडीएफ, ठीक है। एमसीक्यू वाले हाँ जीके टुडे की पीडीएफ, वो लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन रहती है यूपीएससी टाइप चीज़ें, बट फिर भी। और उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स हैं जो एआईआर लगभग 300-320 हैं, तो इन लोग बोलते हैं कि दे हैव ऑल्सो यूज्ड मंथन, सिर्फ मंथन 2.0 मैंने नहीं करी, वो मंथली मतलब मंथली होती है ना, मंथली या फिर कुछ वीकली। सो मेरी मंथली वाली थी तो वो रहता है। उसके अलावा जीके टुडे की पीडीएफ तो आप उसको स्किप कर सकते हो इफ़ यू वांट। तो मेरे जो दोस्त हैं वो बोलते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण, सो आई डोंट नो व्हाई बट दे हैव स्कोर्ड सम वेरी गुड मार्क्स इन जीके पर्टिकुलरली। तो आई विल से कि ट्रस्ट वर्दी तो आई थिंक कुछ नहीं होता है, बट अगर आपने अभी तक प्रिपेयर करा है, रोज़ आप पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर से भी और अगर आप खुद से कर रहे हो, सो जस्ट मंथन एंड वन मोर अनदर कंपनी, उससे ज़्यादा आपको घुसने की ज़रूरत नहीं और किसी चीज़ में। नॉर्मल रहो, टेक इट लाइटली, धीरे धीरे करते रहो, बैकग्राउंड आप खुद से रीड करते रहो, टॉपिक्स पर्टिकुलर आप लिस्ट बना लो कि ये टॉपिक्स आपके पास, बाकी सर तो प्रोवाइड कर ही देंगे, तो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को आप पढ़ते रहो, बस इतना ही है उसमें। और ज़्यादा कुछ होगा लास्ट तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। हाँ क्या क्या, वेरी ट्रू। जैसे कई बच्चे हैं ना, खासकर मेरे को अभी भी कोई तैयारी करनी होती है ना, तो मैं शेड्यूल नहीं बनता कि भाई सुबह उठ के फिर अपने पता ही नहीं है जो बुक हाथ में लगी वो अपने पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो कुछ ऐसा क्या है कि भाई एक सुबह उठे तो अपना तुम्हारा कोई शेड्यूल था कुछ ऐसा, कि या कई बच्चे जैसे कोई भी एक जैसे अपने की उसको यूज कर पाए। जैसे मेरे साथ तो ये होता था ना कि जब मैं प्रिपरेशन करता था तो लॉजिकल दिखी तो अपने लॉजिकल शुरू कर दिया। ठीक है, जीके का मिला तो जीके शुरू कर दिया। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सुबह उठ के अपने 2 घंटे इसको दें, उल्टा होना चाहिए ऐसे ना। मैंने एक टाइम कि इतना टाइम ताकि अपने को पता लगे कि आज शाम तक अपन ने किया नहीं किया। अब तो लास्ट अपने पास 29 दिन बचे हैं, तो अब लास्ट 29 डेज में कोई इनका शेड्यूल अपने को बनाना हो कि अपने अगर सुबह अपन उठ। बना सकते हैं। हाँ, देखो लास्ट का मेरा था, हालांकि मैंने लास्ट का एक हफ्ते फॉलो नहीं किया क्योंकि तब तो सब अगर मॉक मॉक सेशन लगे बंद हुए हो थे। जाए ना बाई चांस, मुझे जूम पे अपना ये 40 मिनट्स का है। ठीक है, तो अभी कितना होगा, 6:59 हो गया, मतलब 10 मिनट और बचा है। हमने 6:30 पे शुरू किया था ना, 6:25 पे, 25 आई पे। थिंक 40 पे शुरू किया ना, 640 पे। हाँ 6:40 भी गया था क्या स्टार्ट? एक मिनट, आपने लिंक भेजी थी ना मेरे को। हाँ देखना, मेरे को लगता है हाँ पांच नहीं, दस सिक्स मिनट सिक्स थर्टी 632, 632। पांच दस मिनट हाँ ठीक है, ठीक तो हमारा जो पर्टिकुलर शेड्यूल कैसा रहता है कि आप जब सुबह उठते हो तो देर हाई चांसेस कि यार पहले प्रॉपर स्लीप लेना शुरू कर दो, ठीक है। कॉलेज में भी इशू है और आपकी लाइफ में भी इशू है, वो मैं समझ सकता हूँ कैसे इशूज होते हैं लाइफ में, बट प्रॉपर स्लीप लेना आप शुरू कर दो। बकायदा 11 बजे आप सो रहे हो तो बकायदा 6 बजे या 5 बजे उठ जाओ, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। रही बात स्कूल वाले जो बच्चे होंगे, उन लोग का स्कूल का इशू होगा, तो यार हो सके तो क्लासेस स्किप करना शुरू कर दो, ठीक है। अगर तुम्हें अटेंडेंस कुछ मैंडेटरी नहीं है तो स्किप करना शुरू कर दो, क्योंकि जो तुम्हारा मेन, स्कूल हाँ मतलब आपको वाले प्रिपरेशन तो आप 1 दिसंबर के बाद फ्री हो जाओगे तब तो करनी है ये सब, ठीक है। तो क्लासेस स्किप करना शुरू कर दो। आई तो वॉन्ट से कि मतलब करो, क्योंकि हो जाता है भाई, स्कूल में तो बुक से ही पढ़ते हो ना, तो वो आप करने लगोगे। उसके बाद आपको डेली आप मानते हैं जैसे आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो, ठीक है, फ्री फ्रेश हो गए 7 बजे, तो मम्मी नाश्ता ले आएगी। मम्मी नाश्ता में भी नहीं लाती, 8 साढ़े 8 के बाद लाती है। तो आप सुबह ना जीके को टाइम दो, न्यूज़पेपर तो आप पढ़ ही रहे हो, आपने जैसे 1 घंटे में आपने अपना इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू आप जो भी है वो निकाल लिए हो। अब अखबार पढ़ना उसके चाहिए, बाद अभी हाँ अभी अखबार पढ़ना चाहिए लास्ट 30 दिनों में। बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लास्ट तक पढ़ना ओके, चाहिए, ज़रूरी है, जैसे कई बच्चे क्योंकि होते हैं अगर वो वो कहते नहीं हैं पढ़ते घंटा हैं एक तो। घंटा अखबार में चला जाता है हमारा, तो उसकी बजाय हम जीके हाँ मैं पढ़ते मानता हैं। हूँ, बट वो चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि जो अखबार है आपका, न्यूज़पेपर है, वो आपको मतलब इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन में रिवाइज भी बहुत ज़्यादा करवा हेल्प रहे हैं करता है, हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी। तीनों में हेल्प करता है वो, तीनों मेन जो कोर सेक्शन है, ठीक है। तो अखबार आप पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, उसके बाद एनालाइज करना है कर लो, 1 ही घंटे में कर जो भी करना है। उसके बाद आप ब्रेक लोगे 24-10 मिनट का, उसके बाद आपको पढ़ते ही रहना है। तो आप रीडिंग कॉपी अच्छे, जैसे आप कुछ आर्टिकल्स पर्टिकुलरली रीड कर रहे हो, जैसे मैं पर्टिकुलरली जो एक कुछ अमेरिकन वेबसाइट है मैं उससे कुछ रीड करता था आर्टिकल, ठीक है। तो वो आप वो अमेरिकन कर सकते हो, डाउन टू अर्थ के कुछ आर्टिकल्स आते हैं आप उनको रीड कर सकते हो। इसके बाद
मैथ जो सुबह का टाइम है आप मेनली मैथ्स को दो, क्योंकि मैथ्स आप सोचते हो ना कि बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ है, बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ है, तो आप सुबह निकाल दो जितना हो सकता है उसको, बकायदा 1 घंटा एनालाइज कर लो कि गलतियां कहाँ हुई हैं, आपको उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट वॉन्ट टेक दैट मच टाइम अगर आप अभी उसको साथ फॉलो करते हो। होता क्या है ना कि अपने बाकी सेक्शंस पे अब ज्यादा मेहनत करेंगे ना, तो अपने एक दो नंबर कुछ इतना या थोड़ा बढ़ गया इतना, पर अपना मैथ्स में 0 से अपने सीधा 6-7 भी ले जाएं, तो अपने वो 6-7 नंबर सीधा इन्हें 50% उसमें बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर हाँ हाँ कि एक तो अपने हाँ बाकियों में तो अपने फिर भी चलो कर ही रहे हैं मेहनत, इसमें अपने 0 से अपने पास काफी स्कोप है। और कई बार ऐसा होता है बिल्कुल आसान सी DI आ गई है, जैसे ए रेशियो और एवरेज वाली, और अपने को नहीं आती तो अपने बिल्कुल छोड़ दिया, उसके बजाय अपन उसमें माथा मार के वो कर ले, है ना हाँ आगे। तो हाँ आपने सुबह का मतलब 11 तक या फिर जितना भी आपका 11:30 तक आपने दे दिया टाइम मैथ्स को, आप मैथ्स के बाद मूव करोगे कि आपका जब तक खाना वगैरह है जो जितना भी आप 1 बजे तक हो जाओ 1.5 घंटा फ्री, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद आपको फिर बैठना पड़ेगा 1 घंटे से 1:40 तक, आप बेसिक कुछ रीड करो, लीगल प्रिंसिपल्स या जो भी आपको करना हो, उसके डेली बाद आप 2 बजे से मॉक देने बैठ रहे हो, ठीक है, 2 से 4 आपने मॉक, मॉक हाँ देने दे 29 दिन, 29 से 29 मॉक। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट आपको हर 2 दिन में एक बार तो देना पड़ेगा अगर इतना आपको करना है तो, 15 मॉक हम दें यानी ना लास्ट महीना, 15 मॉक, और बाकी कुछ लोग जो एडवांस होते हैं वो 1 दिन में 2-2 मॉक भी दे देते हैं, सो अगर आपको देना हो तो आप दे सकते हो, ऐसी कुछ ना बात नहीं है। लास्ट अपने सेशन रखा था वो अपने पास पढ़ता था, ऑल इंडिया रैंक 44 था, वो 2 2 मॉक देने लग गया था, सुबह भी शाम को भी ऐसे, हाँ तो उसको होता है वो एनालिसिस तो, कर पाओ उतना, तभी तो नहीं, तो नहीं फायदा अगर खाली मॉक दे दिया और उसको चेक ही नहीं किया, स्कोर ही नहीं दिया, तो क्या फायदा फिर तो। हाँ हाँ तो एनालाइज कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो सेक्शनल टेस्ट के मॉक भी दे लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें ऐसा। हाँ तो आपने वो दिया जैसे आपका, फिर 2 से आप 4 मॉक देने बैठे हो, एनालाइज करो उसको 2-3 घंटे में, ज्यादा टाइम मत देना, शाम के 6 यहीं बच जाते हैं, उसके बाद आप फिर एक ब्रेक लोगे, खेलना कूदना घूम लाओ, घूम लो बैडमिंटन खेल लो जो करना, मैं पर्टिकुलर बैडमिंटन खेलता था तो घूम लो खेल लो, उसके बाद आप फ्री होगे 7 बजे वापस, 7 बजे वापस टेबल पे आओ, वहां से आप फिर आपका मैथ्स हो गया, GK हो गया, उसके बाद आपका मैं मानता हूँ रीडिंग जो है आपका, आपने वो दे दिया था लीगल प्रिंसिपल, आपने 40 मिनट दे दिया, अब आपके पास बचे हैं ये जो आपके पास 7 से 11 की टाइमिंग है गोल्डन टाइम, ठीक है, इस पर आप करोगे अपनी गलतियां एनालाइज दिन भर की या फिर आपने जो पिछले उसमें करी है, तो आप यहाँ पे बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि ये 4 घंटे आपके पास कोर है ना, आप बैकलॉग कंप्लीट करो, इसके अलावा आप मेनली या फिर CR के थोड़े सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, या फिर जो आपके पास एक्स्ट्रा सेक्शनल टेस्ट, हाँ तो मेरे जैसे मेरी अभी एक स्टूडेंट है तो शी वॉज स्कोरिंग अराउंड 40 और 50 अराउंड 1 मंथ अगो, एंड नाउ उसके अभी 86 आ रहे हैं, सो इट मैटर्स टू मी, तो बिकॉज क्योंकि उसने सेक्शनल टेस्ट दे देकर उतने बढ़ाए, मैंने उसको बोला कि तू ये करेगी ये कर तभी तेरे मार्क्स आएंगे, तो अभी शी वॉज स्कोरिंग 86, ओके, तो आप सेक्शनल टेस्ट जितने देते हो सो इट विल हेल्प यू अ लॉट मोर देन एनीथिंग, तो सेक्शनल टेस्ट दो उन 4 घंटे में 2-3 बार, और बीच में 1 घंटा ब्रेक देते रहो देते रहो देते रहो, लेकिन एक चीज़ रखना कि जब आप कभी भी सिटिंग के लिए बैठ रहे हो ना तो ऐसा करो कि आप 2 घंटे की सिटिंग के लिए बैठो, ठीक है ना, क्योंकि जब आप मॉक देने ओरिजिनल बैठ मतलब जब आप क्लैट के एग्जाम देने बैठ रहे होगे, यू डोंट फील लाइक कि बहुत एंशियस फील हो रहा है या फिर कुछ एंजाइटी से हो रही है कि 2 घंटे कैसे बैठेंगे, वहां हाथ नहीं चलता, वहां आपको सोचना पड़ता है बहुत ज्यादा, एक और चीज, रात में 1 घंटे, हाँ फिनिश करो फिर मैं बताता हूँ। हाँ हाँ तो लास्ट, रात में 1 घंटे पहले जो होता है बेसिक रीडिंग कर लो, आप जो भी बुक वगैरह पढ़ते हो या फिर जो आपको आर्टिकल्स करने हो 2-3, उससे ज्यादा मत करो रात में प्रेशर, मतलब मोबाइल छोड़ दो भाई रात में, मत करो मोबाइल का यूज बहुत ज्यादा, अंदर ही अंदर आप इंस्टाग्राम चलाओगे रील चलाओगे दोस्तों को देखोगे, बहुत जलन होती है, मेरे को भी होती थी, बट छोड़ दो उसको। हाँ बोलो, हाँ अजय, मेरे को ये पूछना था कि बहुत बच्चों का ये रहता है ना कि वो मॉक में दो ऑप्शन तो आउट कर देते हैं कि बी और डी नहीं है, ए और सी है, पर वो गलत वाला ऑप्ट कराते हैं सी है। तुम्हारे साथ भी होता था ऐसा? हाँ बहुत होता था, लास्ट में भी हुआ, तो यार वो तो होगा बहुत बार, क्योंकि जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मेरे साथ यही इशू था बहुत ज़्यादा, कि दो जब मेरे सामने चीज़ें आती थी तो मैं हमेशा ए या डी चूज़ करता जबकि आंसर डी रहता था, तो यार होता है आपको क्लैरिफाई करना पड़ता है, नॉट पे सवाल होता है जैसे कि क्वेश्चन आ गया विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, तो हाँ विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, नॉट दे दिया या फिर यस दे दिया समथिंग एल्स लाइक दिस, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर। ये जब भी हमने कोई टेस्ट दे रहे ना तो पूछा गया है, कई बार वो पूछ ही नहीं रहा, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल, हाँ अपने वो कर देते हैं एप्लीकेबल, है ना, आदत ही नहीं रहती इनको हाँ अंडरमाइन या नेगेटिव हाँ सवाल पूछ रहा है ये चीज।
हाँ होता है, यही सब अच्छा होता है। और बाकी तो आपको देखो, क्वेश्चन को अगर आपने रीड कर लिया ढंग से तो हाई चांसेस है कि आपको आंसर पता चल जाएगा। क्योंकि आपने, मेरा ऐसा रहता था पहले, मैं क्वेश्चन से रीड करता था, फिर पैसेज पर जाता था, या फिर क्वेश्चन मेरे को पता रहते तो जल्दी से रीड कर लेता था। तो ऐसे सॉल्व मैं करता था कई बार। जैसे मेरा सीआर का मैंने ऐसे ही किया है, इंग्लिश में मैं रीड करता था हालांकि पहले, बट सीआर का मेरा ऐसे ही हुआ है कि पहले क्वेश्चन रीड कर लिया, उसके बाद वहां चला गया, फिर यहाँ आ गया। आपको पता है कि सो आप इट्स लाइक प्रैक्टिस में क्या क्या ढूंढ रहे हैं आप, है ना। हाँ, तो सीआर में दिक्कत होती थी फिर। अच्छा एक तो चीज, शांभवी संभवी जो तुम्हारा एक क्वेश्चन था, शांभवी का जो था, का भी लेते हैं, तो 1 3 मिनट बचे। हाँ पहले संभवी का पूछ लेते हैं ना, संभवी ने क्या पूछा था। हाँ, जो ये मुझसे सीआर का पूछी थी, तो मैं तुमको ये सजेस्ट करूंगा कि यार एक बार क्वेश्चन आप पहले पढ़ो 1 मिनट। पैसेज को रीड करने में 2 मिनट से ज्यादा टाइम उसके बाद नहीं लगेगा। पैसेज रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या ढूंढ रहे हो, और फिर दैट वोंट बी एन इशू फॉर यू। ओके हाँ भैया, मुझे ये भी पूछना था कि हमें जीके कवर करनी है, तो मैंने फ्रॉम मई टू सितंबर कवर कर ली है, एंड अभी अक्टूबर की करनी है, तो इसके पहले वाले भी करनी इम्पोर्टेंट है क्या, या फिर क्या करें। आई विल से देखो, आई विल से फॉर बींग इन सेफर साइड, जून से कवर करो। बिकॉज लास्ट मंथ में आप जब 1 साल की बात करते हो ना, तो 1 साल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर तुम्हें लगता है तुम कर सकती हो तो मई के पहले का कवर कर लो, नहीं तो मई से लेके अभी तक का जो है अक्टूबर तक का, वो तो कवर करना ही है, वो मैंडेटरी चीज़ है। ओके एंड अगर जून मई के पहले का नहीं हो पा रहा है तो इज इट ओके। इट्स ओके, बट वही चीज़ है कि क्लैट कुछ भी कर लेता। हालांकि पिछले 3 साल में ऐसा कुछ उसने नहीं किया है, मेनली यहीं से आया सब, जून से, जून के बाद ही। एक बार आया था ना, तो पिछले साल का भी पूछ दिया था, क्योंकि तो पहले का एक दो बार आया कि पिछले साल का, ये जून का पूछ दिया, पता नहीं कौन सा पूछ अब वो तो दिया। बहुत अलग चीज हो जाती है, रेयरेस्ट इवेंट है भैया, कि मतलब आप 2 साल पहले कभी कुछ भी उठा लेते कभी कभी। तो अमृता तुम्हारा क्या स्कोर आ रहा है अभी मॉक वगैरह में, फिलहाल अभी क्या स्कोर चल रहा है बाकियों को, यानी क्या स्कोर चल रहा है अभी इन दिनों लास्ट के मॉक्स में। नाइस मेरे तो 82 84 समथिंग चल रहा है। बढ़िया है, तो 120 में से 82 80 आ रहा है ना, वो सही है काफी। और किसी को कुछ पूछना हो लास्ट 150 1 मिनट। मैं ये सॉल्व करना चाहता हूँ, अप्रोक्स आइडियल टाइमिंग जो इनकी है। सो मुझे एक बार बता देना, मैथ्स में कितने, 12 क्वेश्चंस आते हैं ना, सो 15 मिनट उसमें। लीगल में कितने होते हैं, 35, 32 32, सो इट वॉन्ट टेक 30 मिनट्स, ठीक है, 30 मिनट्स मैक्स। उसके बाद इंग्लिश में 25, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 30, 24 सो 24 अच्छा 24, हाँ सो वो 24 या 35 मिनट्स। सीआर में 24 ही रहते शायद उसमें भी, सो इट विल ऑल्सो टेक नॉट मोर देन 24 मिनट्स। और बाकी करंट अफेयर्स को लेकर मैं वही बोलूँगा, 7 से 8 मिनट मैक्स, बस दैट्स इट। एंड आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं किसी बच्चे ये पूछा था, किसी बच्चे का कोई डाउट रहता हो लास्ट मिनट है कुछ भी पूछना। सत्यम किसी का भी गुमताश, ये तो 11th में अभी, हाँ जो 12th वाले जो अभी देने वाले हैं पेपर, ड्रॉपर्स भी हैं क्या यहाँ पे? हाँ ड्रॉपर्स नहीं है, कई बच्चे हैं जो 11th वाले भी हैं। किसी को कुछ पूछना हो और किसी को, फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा कर रहा है, कभी ऐसा होता है कि 77 भी हो जाता है और कभी 82 भी हो जाता है। ये उतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, फ्लक्चुएट तो होता रहता है, 5 7 नंबर तक फ्लक्चुएट होते हैं। अब हम लोग के देख लो ना, हमारे ऐसे फ्लक्चुएट होते थे कि मतलब एक किसी दिन अगर 90 लग दिए तो अगले दिन ऐसा भी है कि 70 आ जाते थे कभी कभी। तो फ्लक्चुएशन, सो इट्स लाइक 5 6 नंबर इज नॉर्मल, तो उस पर उतनी चिंता मत करो। बट ये रखना कि आप जब बैठ रहे हो पेपर देने तो अपने आप को थोड़ा शांत रखो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शांत नहीं रहता इंसान, वो बहुत कुछ छोड़ देता है, और कभी कभी तो गोले गलत भर देता कि एक